नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकोड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। पर मध्य प्रदेश के लालबर्रा से संयुक्त मोर्चे की हड़ताल से बाहर हुआ जनपद व जिला पंचायत कर्मचारी संगठन कार्यालय में दिखेगी रौनक। विगत 22 जुलाई से लगातार अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम कलम कार्यालय बंद को लेकर हड़ताल कर रहे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चे की मांग सरकार ने अब तक नहीं मानी। वह सचिव व रोजगार सहायक संघ के द्वारा 4 अगस्त को सुंदरकांड कर सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। वहीं पूर्व में जो 17 संगठन ने संयुक्त मोर्चे का गठन किया था, अब वह धीरे धीरे शिथिल समझ में आ रहा है। वहीं संगठन को सरकार शिथिल कर रही या खुद संगठन बाहर हो रहा है, यह समझ से परे। वहीं सचिव संघ के पदाधिकारियों का कहना कि हमारी हड़ताल जारी रहेगी, गुगनी बहरी सरकार के सामने हम झुकने वाले नहीं हैं। अभी भी जनपद व जिला पंचायत के कर्मचारियों व अधिकारियों ने हड़ताल वापस नहीं ली। वहीं जनपद के वरिष्ठ लेखक पालवाई के गौतम ने बताया कि कल से सभी जनपद के अधिकारी व कर्मचारी कार्यालय पर अपने काम पर लौटेंगे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए लालबर्रा से लकेश पंचेश्वर के साथ शरद दानेश्वर की रिपोर्ट। संयुक्त मोर्चा संगठन के द्वारा 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन काम कार्यालय बंद को लेकर हड़ताल की जा रही थी, जिसमें आप लोगों का संगठन भी शामिल था। आज अचानक बहाल कैसे हो गया? हम लोग भी उनके समर्थन में थे हड़ताल पर जी, पर हमारे प्रांतीय अध्यक्ष के भारत भूषण शर्मा के आह्वान पर जी उनका पत्र प्राप्त हुआ है आज ही, और आज से ही हम लोग हड़ताल से वापस हो गए हैं, क्योंकि हमारे मांग पे मुख्यमंत्री से इनके द्वारा चर्चा की गई। कौन कौन सी मांगे थी आप लोगों ने? हमारी ये थी मांग कि हमारे समय मान वेतनमान तो ठीक, वो वेतन वृद्धि जी और महंगाई। आपका पूरा परिचय? मैं भोजराज रंगदाले सिंह, सचिव संयुक्त मोर्चा एवं सचिव संगठन लालबर्रा का अध्यक्ष। आज सुंदरकांड किस लिए आयोजित किया गया? आज हम लोग संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान के आधार पर हमने आज दिनांक 22 जुलाई 2021 से जो धरना अनवरत चालू है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने आज सुंदरकांड का वाचन किए हैं। सुंदरकांड के पीछे क्या मंशा थी सरवानी? हमारी मंशा ये है कि शासन को एक सुंदरकांड के माध्यम से सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु हमने एक यज्ञ का संपादन किया है।